हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मई 2019 बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 200 में कवर करूंगा उनका भाग दो। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था जिसमें बेस्ट 100 क्वेश्चन मैंने कवर किए थे और यह है भाग दो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। आप मुझे मेरे नाम से या फिर टायरलेस सोल के नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्स आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये पेड कोर्सेज हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com। सबसे पहले बात करते हैं नबार्ड की। नबार्ड ने 700 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड, एक कोष बनाया है जिससे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स जो हैं उनको फंड करेगा। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है नैब वेंचर। नबार्ड बना था 1982 में और नबार्ड के चेयरमैन हैं हर्ष कुमार भानवाला। और भारत के नए कृषि मंत्री कौन हैं? उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये नए एग्रीकल्चर मंत्री हैं भारत के, और साथ ही साथ ये भारत के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। क्लियर? दोनों हैं, तो दोनों याद रखने हैं आपको। नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है मोरेना है मध्य प्रदेश में। इनमें से पहली महिला कौन बनी जिन्हें आईसीसी मैच रेफरी बना दिया गया? इनका नाम है जीएस लक्ष्मी। और अगर पूछे कि पहली फीमेल कौन बनी जिनको एम्पायर बनाया गया है आईसीसी के द्वारा, तो आंसर है क्लेयर पोलोसैक। जीएस लक्ष्मी है इंडिया की और क्लेयर पोलोसैक है ऑस्ट्रेलिया की। तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, पहली महिला जिसे आईसीसी मैच रेफरी बनाया है वो है जीएस लक्ष्मी, और पहली महिला जिसे एम्पायर बनाया है वो है क्लेयर पोलोसैक। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप खेला जा रहा है वो इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है, और ये 12वां वर्ल्ड कप है, ठीक है, 50 ओवर वाला। और जो इंडिया में खेला जाएगा 2023 में, एक तो ये याद रख लो कि 2023 में इंडिया में खेला जाएगा, तो इंडिया में खेला जाएगा तो 2023 में ये होगा 13वां वर्ल्ड कप, 13th वर्ल्ड कप। भारत ने एक टारगेट होते हैं जिन्हें बोलते हैं अभ्यास, उनका सफलपूर्वक टेस्ट फायर किया है उन्हें, क्लियर, फ्लाइट टेस्ट किया, अभ्यास। अभ्यास क्या है? इनको बोलते हैं हीट, HEAT, हीट, यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ये किया ओडिशा में, क्लियर। तो ओडिशा में जो ये व्हीलर आइलैंड है जिसको अब बोलते हैं APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, यहाँ से किए जाते हैं टेस्ट फायरिंग, और ये DRDO ने किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है ओडिशा के, और DRDO जो है ये इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और बालासोर से जो MP हैं वो भी याद रखिए, प्रताप सारंगी, और जो मिस्टर सारंगी हैं इन्हें उड़ीसा का मोदी भी कहा जाता है। इंडियन आर्मी जो है इन्होंने अपना जो ट्रेनिंग कमांड है, इंडियन आर्मी के 7 कमांड होते हैं, राइट, तो उसमें एक होता है ट्रेनिंग कमांड, इसका हेडक्वार्टर शिमला में है। अब शिमला से शिफ्ट करके कहाँ कर रहे हैं? शिमला से शिफ्ट होके अब हो रहा है मेरठ में। मेरठ है उत्तर प्रदेश में, क्लियर। हमारी जो नेवी है उसमें 3 कमांड होते हैं, और हमारी जो एयरफोर्स है उसके अंदर भी 7 कमांड होते हैं। माउंट एवरेस्ट रिकॉर्ड 23rd टाइम चढ़ाई किसने की? इनफैक्ट 23 नहीं, अब तो 24 हो गया है, क्योंकि एक ही हफ्ते में 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़े ये। इनका नाम है कामी रीटा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, कामी रीटा ने, ये जो है इन्होंने 24 टाइम्स चढ़ाई करी है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर और ये नेपाल में। दुनिया की पहली वुमेन पायलट जिन्होंने अटलांटिक ओशियन के ऊपर से फ्लाइट उड़ाई एक लाइट स्पोर्ट व्हीकल में, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, इनका नाम क्या है? इनका नाम है आरोही पंडित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अटलांटिक ओशियन के ऊपर जो है हवाएं बहुत तेज चलती हैं, वेदर बहुत खराब है तो विमान गिर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यूज किया लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट, क्लियर, और दुनिया की पहली पायलट है ये ऐसा करने वाली, आरोही पंडित। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, जिसके नए चीफ बने हैं करमबीर सिंह। आपको बता दूं करमबीर सिंह 24वें चीफ हैं इंडियन नेवी के। तो इंडियन नेवी का पहला फुल फ्लेज्ड SSB कहां बना है? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये बना है कोलकाता में बना है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। इनमें से भारत पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? देखिए दो हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक तो है फोन पे और एक है भारत पे। फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी आमिर खान, और भारत पे के बने हैं सलमान खान।
इसको ऐसे याद रख लो, एक फिल्म आई है सलमान खान की जिसका नाम है भारत, तो भारत पे के बने हैं सलमान खान, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBSA के चेयरमैन कौन बने हैं? NBSA के नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर AK सिकरी। आपको याद हो मिस्टर AK सिकरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, अब ये न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के चेयरमैन बने हैं। इनमें से जो हमारी तीन सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनका स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन बना है, तो इसके पहले हेड कौन बने हैं? फर्स्ट हेड बने हैं मेजर जनरल AK ढींगरा। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोबारा बने हैं अजीत डोवल। एक बात याद रखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है वो डिफेंस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन होता है, और जो रक्षा मंत्री होते हैं, अभी हमारे नए रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, जिनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, और रक्षा मंत्री होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का चेयरमैन। तो दो वो हैं, एक तो डिफेंस प्लानिंग कमेटी DPC और एक है DAC, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। DPC का चेयरमैन होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और DAC का चेयरमैन होता है भारत का रक्षा मंत्री। और हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनको भी एक्सटेंशन मिल गया है, उनका नाम है मिस्टर संजय मित्रा। इनमें से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट दोबारा कौन बन गए हैं? इनका नाम है सिरिल रामाफोसा, और साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड। और सिरिल रामाफोसा जो हैं, इनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये बन गए हैं दोबारा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। ये जो 26 जनवरी हमारा 70वां रिपब्लिक डे था, 26 जनवरी 2019, उस पर चीफ गेस्ट भी यही थे, मुख्य अतिथि यही थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है जिसमें 35% ग्रेफाइट डिपॉजिट्स हैं इंडिया के, यानी पूरे इंडिया में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% इस राज्य में, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अभी अभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का थर्ड कैंपस बना है, ठीक है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक तो पुणे में है और एक कोलकाता में, और थर्ड कैंपस बना है अरुणाचल प्रदेश के जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोलते हैं पापम पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल, कैपिटल है इसकी ईटानगर। यूनाइटेड नेशंस ने कौन से टेरर ग्रुप के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अभी अभी? ये टेरर ग्रुप है आईसिस खोरासन। यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और अभी अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए चीफ बने हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, तो ये नाम भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नाइजीरिया के हैं, ठीक है। तिजानी मोहम्मद बंदे जो हैं ये नाइजीरिया के हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सोशल साइंस रिसर्च के लिए, इनका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया अभी अभी? फाउंडेशन डे, इनका फाउंडेशन डे था ये 50th, यानी गोल्डन जुबली। और चीफ गेस्ट कौन था इस उपलक्ष में? जो फंक्शन हुआ चीफ गेस्ट थे उसमें वेंकैया नायडू, जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारत के प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, ये भारत के 14वें प्रेसिडेंट हैं, और जो वेंकैया नायडू हैं ये भारत के 13वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। नासा का एक मिशन है कि एक वुमेन को चांद पे पहुंचाना है 2024 तक, क्लियर। इस मिशन का नाम क्या रखा है इन्होंने? इसका नाम रखा है मिशन आर्टेमिस। लोकपाल जो है, आपको पता है भारत के लोकपाल कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष, राइट। और लोकपाल को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था? रंजन देसाई कमेटी। तो रंजन देसाई वॉज द लोकपाल सर्च कमेटी जिसने भारत का लोकपाल कौन होगा ये बताया, पिनाकी चंद्र घोष। ये वेबसाइट बन गई है लोकपाल की, तो ये बनाई किसने? ये बनाई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, NIC। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, तीन मीटिंग हुई हैं, बेजल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन। कहाँ पे हुई इनकी मीटिंग? इनकी मीटिंग हुई जनेवा में। जनेवा WHO का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, और भी बहुतों का हेडक्वार्टर है जनेवा, ये स्विट्जरलैंड में है। तो बेजल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन, तीनों की मीटिंग हुई एक साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डॉक्यूमेंट रिलीज करा है विजन 2019-2021, यानी अगले 3 सालों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का विजन क्या होगा। इसमें इन्होंने बात करी है 4 C's की, इनमें से कौन सा C नहीं है? तो 4 C हैं कॉम्पिटिशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो चौथा है कॉन्फिडेंस, तो कैलकुलेशन नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती हैं, क्लियर, एनबीएफसी, कितने एसेट साइज से ज्यादा की कंपनियां हैं जिन्हें अब एक चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, क्लियर। तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जो 5,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट जिनके पास है, यानी 50 बिलियन रुपीज, उनको अब करना पड़ेगा एक चीफ फाइनेंशियल, चीफ रिस्क ऑफिसर, सीआरओ अपॉइंट। और 1 बिलियन होता है 100 करोड़, तो 50 बिलियन हो गया 5,000 करोड़। इनमें से जो फिजी का सुप्रीम कोर्ट है उसमें जज कौन बने, ये पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनका नाम है मदन लोकुर। और अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है भारत के, ये पता है आपको, रंजन गगोई, ये असम से हैं और ये भारत के 46वें चीफ जस्टिस हैं। और फिजी की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, सुवा। कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगा 2023 का एशियन कप सॉकर टूर्नामेंट, कहाँ होगा ये? ये होगा चाइना में, ये होगा चाइना में। और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस भी डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने, इंडिया के रिक्वेस्ट पे, क्लियर, ये इंडिया के रिक्वेस्ट पे किया गया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, क्योंकि इंडिया में 2018 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नेशनल डेंगू डे ये कब ऑब्जर्व किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डेंगू डे 16 मई को ऑब्जर्व किया गया, क्लियर। एक डेंगू की दवाई बनाई है अभी जिसका नाम है नीलवेम्बू कुडेनीर। ये दवाई तमिलनाडु ने बनाई है और ये एक सिद्धा मेडिसिन है, क्लियर, सिद्धा मेडिसिन। जो हमारे मंत्री हैं आयुष मंत्री, तो इसमें आयुष में एस आता है सिद्धा, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनको मिला के बोलते हैं आयुष। आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। भारत का जो मुख्य चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने आर्टिकल 324 लगाया था कौन से राज्य में? आर्टिकल 324 जब लग जाता है तो आप इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकते, ये लगाया था वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे हिंसा हो गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्टैचू तोड़ दिया गया था, उसके बाद हिंसा हुई तो वेस्ट बंगाल में लगाया गया। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेस्ट बंगाल में इस बार दो एक्ट्रेस चुनाव जीती हैं, एक तो है मिमी चक्रवर्ती और एक है नुसरत जहां, आपको इन दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंसी बताने हैं, कमेंट्स में लिख के बताइए मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। एक एमओयू साइन किया गया है, भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो 10,000 रुद्राक्ष के पेड़ लगा रहा है गंगा नदी के किनारे? रुद्राक्ष का पेड़ लगाने से एक तो धार्मिक एंगल है इसमें, क्योंकि रुद्राक्ष का पेड़ जो होता है वो भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, और दूसरा गंगा की सफाई, जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होता, यानी मृदा अपरदन भी नहीं होता। ये राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड लगा रहा है, और उत्तराखंड में हरिद्वार भी है, ठीक है, हरिद्वार से जो सांसद हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, ये भारत के नए एचआरडी मंत्री हैं, ठीक है, एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनमें से कौन सा कंट्री है जहां, जो पहला एशियन कंट्री है जहां पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है, ये कौन सा है? ये है ताइवान, ताइवान की कैपिटल है ताइपी, एक ताइवान की कंपनी भी है एसर, जो लैपटॉप आपने एसर के यूज किए होंगे, तो एसर कंपनी ताइवान की है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो चल रहा है अभी इंग्लैंड और वेल्स में, उसका ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज करा है, क्या है ये ऑफिशियल गाना? ये ऑफिशियल गाना है स्टैंड बाय। ये गाया किसने है? ये गाना गाया है लॉरेन ने, LORYN लॉरेन, और संगीत दिया है रूडीमेंटल नाम के बैंड ने, क्लियर। तो लॉरेन ने गाया है और संगीत दिया है रूडीमेंटल ने। इनमें से भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने मसाला बॉन्ड इशू करे? मसाला बॉन्ड रुपीज में होते हैं, अगर कोई विदेशी इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है रुपीज में तो बॉन्ड के अंदर, तो ये रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए, केरला ने इशू किए हैं, तो आंसर है केरला। इनमें से कौन सा भारतीय तट रक्षक का जहाज है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसे डीकमीशन कर दिया है, इसने भारत की सेवा करी 29 ईयर्स, इसका नाम था ICGS विग्रह। और एक इंडियन नेवी का शिप भी था INS रंजीत, इसको भी अभी डीकमीशन किया गया है। इनमें से सासाकावा अवार्ड किसने जीता है? सासाकावा अवार्ड ये जीता है मिस्टर प्रमोद कुमार मिश्रा ने, आपदा प्रबंधन के लिए जीता इन्होंने, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। इनमें से भारत की कौन सी सेना है जिसने माउंट एवरेस्ट अपने पहले ही प्रयास में
उसका पर्वतारोहण किया, उसकी चढ़ाई करी, तो ये अपने आप में इतिहास रच दिया। पहले ही कोशिश में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर डाली। ये करा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इन्हें ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं। भारत ने अभी अभी जो MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, ये कौन से कंट्री से, एक्चुअली किस कंट्री को दिए हैं, तो ये पूछा डिलीवर किसको किए हैं MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर। भारत ने दिए हैं दो हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान को, क्लियर, अफगानिस्तान को दिए। और भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं अमेरिका से, साथ ही अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं अमेरिका से, और रोमियो हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं अमेरिका से। एक हमने रशिया से खरीदे हैं जिसका नाम है कमोव, KAMOV कमोव। इनमें से बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड किसे मिला है, इनकी मूवी का नाम है चिप्पा, उसमें इन्होंने बाल कलाकार की भूमिका निभाई, तो 19 न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इन्हें मिला बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड। इनका नाम है सन्नी पवार, सन्नी पवार, 11 साल का बच्चा ये। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर किसका है, यूनाइटेड नेशंस का है और यूनिसेफ का है। हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है, और हमारे नए पर्यावरण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर, क्लियर, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे लेकिन अब हैं प्रकाश जावड़ेकर। और तो उन्होंने एक DNA डेटाबेस बनाने का निर्णय लिया है, किसके लिए, कौन से एनिमल के लिए, ये एनिमल है इंडियन राइनो, इंडियन राइनो जो काजीरंगा नेशनल पार्क मेनली असम में पाए जाते हैं, इनका DNA डेटाबेस बनाया जाएगा। इनमें से कौन से राज्य की विधानसभा है जिन्होंने ई विधान शुरू करा है, जिससे जितने भी इनके रिकॉर्ड है सबको डिजिटल बनाया जाएगा, ई विधान शुरू कराया अभी अभी केरला ने। और अगर आपसे पूछें कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने ई विधान शुरू करा था, तो आंसर है हिमाचल, हिमाचल भारत का पहला डिजिटल विधानसभा था, क्लियर, तो आंसर है केरल, हिमाचल के CM है जयराम ठाकुर। भारत का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स का डिपार्टमेंट है जिसे बोलते हैं CBIC, तो अप्रत्यक्ष कर विभाग, उन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जिसमें जो CBIC के ऑफिसर हैं, सेल टैक्स ऑफिसर वगैरह, तो उनका परफॉर्मेंस जो है अप्रेज किया जाएगा, मतलब ऑडिट किया जाएगा, इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट स्पैरो, प्रोजेक्ट स्पैरो, क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और CBIC जो है इसके जो चेयरमैन है वो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है, CBIC के चेयरमैन कौन है। सिंगापुर इंडिया मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, सिंगापुर और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ जिसका नाम है सिम्बेक्स, तो ये कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ 2019 में जो हुआ, ये था 26th सिम्बेक्स जो है ये, इसका आयोजन किया गया और ये सिंगापुर में हुआ। कौन से राज्य ने अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया 16 मई को, 16 मई को स्थापना दिवस होता है सिक्किम का। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, उनका नाम है प्रेम तमांग, और इनको हम एक नाम और है इनका PS गोले, तो कई बार ऑप्शन में आपको प्रेम तमांग की बजाय PS गोले मिलेगा, बात एक ही है, प्रेम सिंह तमांग या PS गोले। और इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। और बेसिकली जो पहले मुख्यमंत्री थे इससे, जो 24 साल तक लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे पवन चेमलिंग, वो हार गए। न्यूट्रिशंस गार्डन इनिशिएटिव शुरू करा है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, न्यूट्रिशन गार्डन्स इनिशिएटिव, इसमें बेसिकली जो स्कूल है हर स्कूल में किचन गार्डन बनेगा, ठीक है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे स्कूल को किचन गार्डन बनाने के लिए, स्कूल को मिलेंगे 5,000 रुपीज मिलेंगे स्कूल को जिससे वो किचन गार्डन बना सकें, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन गार्डन्स इनिशिएटिव। संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है स्पेंसर रिटेल, ठीक है, इन्होंने गोदरेज की कंपनी नेचर्स बास्केट को खरीद लिया, कितने में ये डील हुई, 300 करोड़। अमाउंट से ज्यादा आपको ये याद रखना होता है कि किस कंपनी ने किसको खरीदा है, तो स्पेंसर्स रिटेल ने खरीदा है नेचर्स बास्केट को, नेचर्स बास्केट है गोदरेज की और स्पेंसर्स रिटेल है संजीव गोयनका ग्रुप की। पहला NCC गर्ल्स एक्सपेडिशन टीम सिक्किम में, अभी अभी जो NCC की लड़कियां हैं उन्होंने कौन से पर्वत का पर्वतारोहण किया, क्लियर, कौन से पर्वत का, इस पर्वत को बोलते हैं माउंट टैन चांग खांग, माउंट टैन चांग खांग। इसराइल ने इनमें से किस कंट्री को जेरूसलम फिल्म फेस्टिवल जो होगा 2020 में उसके लिए फोकस कंट्री बनाया है, ये कंट्री है इंडिया। इसके अलावा जो आबू धाबी बुक फेस्टिवल होगा 2019 में उसमें भी गेस्ट ऑफ ऑनर रहेगा इंडिया। इनमें से विराट कोहली जो हैं, विराट कोहली और किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हिमालय मैन फेस केयर रेंज का, हिमालयन ड्रग कंपनी के द्वारा।
तो दो क्रिकेटर बने हैं, विराट कोहली और ऋषभ पंत। विराट कोहली और ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईसीसी के द्वारा एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्हें मिला था। इनमें से पहली सिख महिला कौन है जिन्हें यूनाइटेड किंगडम के काउंसिल्स कैबिनेट में अपॉइंट किया गया है? क्लियर, यूनाइटेड किंगडम के फर्स्ट सिख। इनका नाम है जसबीर जसपाल, जसबीर जसपाल। नीति आयोग जो है उन्होंने कितने हजार करोड़ का प्लान बनाया है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ढांचा तैयार करने के लिए? इसमें खर्चा होगा 7500 करोड़। तो 7500 करोड़ नीति आयोग खर्च करेगा। एक चीज और याद रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग अपना खुद का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है, इसका नाम रखा गया है एरावत। ठीक है, नीति आयोग का जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है उसका नाम होगा एरावत। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, ये कौन से देश के प्रेसिडेंट बने? ये फेमस एक्टर है, कॉमेडियन है, अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये बने हैं यूक्रेन के, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। बीएसएनएल जो है वो कौन सी कंपनी के साथ मिलके भारत में वाईफाई विस्तार के लिए, वाईफाई फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए उसने एग्रीमेंट करा है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है मैरीकॉम। मैरीकॉम प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर भी है और ट्राइब्स इंडिया की भी है, ट्राइब्स इंडिया। बीएसएनएल ने पार्टनर कराया अभी अभी गूगल के साथ, गूगल। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं रीवीव। क्लियर, आप ये वेबसाइट खोलना reweave.in। तो इस पे आपको जो बुनकर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, आप उनको खरीद सकते हैं। और जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट उनको सपोर्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्ट रीवीव किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। इनमें से पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त यानी एम्बेसडर भारत में कौन बने? इनका नाम है मोइनुल हक, मोइनुल हक। इनमें से पहले इंडियन प्लेयर कौन है जो कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलेंगे? इन्होंने ड्राफ्ट साइन कर दिया है, तो जैसे ही बीसीसीआई से परमिशन मिलती है, ये वेस्ट इंडीज की जो प्रीमियर लीग होती है जिसे बोलते हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग, उसमें खेलेंगे। इनका नाम है इरफान पठान। इस बार आईपीएल हुआ भारत में और इसको जीता मुंबई इंडियंस ने, फाइनल में हराया चेन्नई सुपर किंग्स को। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने बुक्का पटना को एक चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा है? चिंकारा एक हिरण की तरह दिखने वाला जानवर है, इसके लिए बुक्का पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है नई, ये बनी है कर्नाटका में। सो आंसर है कर्नाटका। कौन सा कंट्री है जिसने ऑफेंसिव वेपन्स बिल में अमेंडमेंट किया है और सिक्स को ये परमिशन दी है कि वो किरपान रख सकते हैं? ये परमिशन यूनाइटेड किंगडम ने दी है सिक्स को। यूके में अब जो सिक्स हैं वो किरपान अपने पास रख सकते हैं। निकी लाउडा, इनका निधन हो गया, ये कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? ये 3 टाइम फॉर्मूला वन चैंपियन थे, बहुत ही महान फॉर्मूला वन ड्राइवर थे। सो आंसर है फॉर्मूला वन। और ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल है वियना और वियना हेडक्वार्टर है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसको कतर ने छोड़ा है, कतर ने क्विट कर लिया है ओपेक। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, सारे जो एनिमल है अपनी मर्जी से विचरण नहीं करते, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया? ये किया दिया मिर्जा ने। दिया मिर्जा कौन है? दिया मिर्जा जो है ये यूएन एनवायरमेंट की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इसकी सद्भावना राजदूत है यानी गुडविल एम्बेसडर है, साथ ही साथ एसडीजी एडवोकेट है, यूनाइटेड नेशंस की सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एडवोकेट भी हैं दिया मिर्जा। जोको विडोडो, ये दोबारा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोको विडोडो बने हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया। एक हाई लेवल कमेटी बनी है अभी अभी डिजिटल पेमेंट के ऊपर, इसके चेयरमैन कौन थे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल पेमेंट के ऊपर जो कमेटी बनी उसके चेयरमैन थे नंदन निलेकनी, नंदन निलेकनी। राजीव गांधी जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी, पुण्यतिथि थी 21 मई को? इनकी डेथ की थी एलटीटी के टेररिस्ट ने, इनकी 21 मई को थी, इनकी मे द 21st, और कौन सी थी 28th। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? तो 21 मई को राजीव गांधी की डेथ हुई थी, उसको हम भारत में एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं। कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी है लाइफस्टाइल ब्रांड, इसका नाम है चेकमेट। चेकमेट को स्टार्ट किया है युजवेंद्र चहल ने, युजवेंद्र चहल। कौन से पुलिस ऑफिसर हैं जिन्हें मरणोपरांत यूएन डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल मिला है? ये इंडियन को मिला है, इनका नाम है जितेंद्र कुमार। ये पीस कीपिंग फोर्सेस में थे, जो शांति दूत होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें थे।
इसरो की कौन सी सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई है पीएसएलवी C46 से? यह सैटेलाइट है रिसेट टू बी। इससे पहले हमने पीएसएलवी C45 को यूज करके लॉन्च की थी एमईसेट, और उससे पहले हमने ए सेट मिशन किया था जिसका नाम था मिशन शक्ति। इसरो अगले 10 सालों में करेगा 7 मेजर मिशन। इसरो के चेयरमैन है के सिवन। ओमान की लेखिका जोखा अलहार्थी, इन्हें मिला है बुकर इंटरनेशनल प्राइज। कौन सी बुक के लिए मिला है? यह बुक है, इसका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओमान की कैपिटल है मस्कट। इनमें से जापान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार किसे मिला है? यह मिला है मिस्टर श्याम सरन को। और ये कौन है? मिस्टर श्याम सरन जो है ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे 2004 से 2006 तक, और इन्होंने काफी काम किया भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए। अभी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? अभी हैं विजय केशव गोखले, और भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर बन गए हैं भारत के नए विदेश मंत्री। इनमें से पहली महिला पायलट जिसने क्वालिफाई कर लिया है कि अब वो कॉम्बैट मिशंस के लिए जा सकती है, यानी युद्ध लड़ने जा सकती है फाइटर जेट्स में, उनका नाम क्या है? इनका नाम है भावना कांत। ये पहली महिला है जिन्होंने क्वालिफाई किया है कॉम्बैट मिशन के लिए। इनमें से कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की जिसने चार्टर ऑफ एफिलिएशन साइन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ? ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, इसका नाम है असम राइफल। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और असम राइफल दोनों एक दूसरे की मिलकर मदद करेंगे। क्लियर। इनमें से यूनाइटेड नेशंस का जो हाईएस्ट पीस कीपिंग अवार्ड है इसे बोलते हैं कैप्टन मबाए डियाग्ने मेडल, ये किसे मिला है? पोस्थ्यूमसली, मृत्यु उपरांत मिला है ये मिला है चेंसी चिटैट। ये मलावी के सोल्जर है, मलावी कंट्री के। इंडियन एयरफोर्स जो है उसने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट फायर किया, कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट से? यानी ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है, हम इसको कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर पाएंगे? अब हम कर पाएंगे इसे Su-30 MKI से। क्लियर। और लास्ट ईयर याद रखिए, तेजस को पायलट करने वाली पहली महिला थी PV सिंधु, तेजस को जिन्होंने को पायलट किया था, और ब्रह्मोस मिसाइल हमने रशिया की हेल्प से बनाई है। WHO ने कौन से दो कंट्रीज को मलेरिया फ्री डिक्लेयर करा है? मलेरिया फ्री एक तो है अल्जीरिया और एक है अर्जेंटीना। इनमें से पहले पाकिस्तान के व्यक्ति कौन से हैं जिन्होंने सातों कॉन्टिनेंट्स पे सातों पीक्स, जो सबसे ऊंची पीक्स हैं, उनको स्केल किया? इनका नाम है मिर्जा अली। और भारत के कौन है सबसे कम उम्र के जिन्होंने काम किया है? सत्यरूप सिद्धांत, बंगाल के हैं सत्यरूप सिद्धांत। एक किताब लिखी गई है अभी जिसका नाम है कमिंग राउंड द माउंटेन लिखी है रस्किन बॉन्ड। इनमें से कौन सा बैंक है जो फाइनेंस करेगा दिल्ली और मेरठ के बीच में जो रेल कॉरिडोर बनेगा, इसमें 30,000 करोड़ का खर्चा आएगा, तो कौन सा बैंक इसके लिए धन देगा, पैसा देगा? दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर के लिए पैसा देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। उस जज का क्या नाम है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी अपॉइंट हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन बने? अनिरुद्ध बोस, AS बोपन्ना, BR गवई या सूर्यकांत? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही बने हैं सुप्रीम कोर्ट के नए जज, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? 31 होते हैं, 30 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस, टोटल 31 जज होते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो नई कमर्शियल आर्म है उसका क्या नाम है? एक और कमर्शियल आर्म है जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष, और जो नई है उसका नाम है NSIL, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इनमें से आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। इनकी पार्टी का नाम है YSR कांग्रेस। और सिक्किम के बने हैं प्रेम तमांग। इसके अलावा जो बाकी दो थे वो सेम है, अरुणाचल के पेमा खंडू दोबारा बन गए हैं, और ओडिशा के नवीन पटनायक 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर। तो चार राज्यों में, इनमें चार में, यानी कि आंध्रा, सिक्किम, अरुणाचल और ओडिशा में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। सबसे कम उम्र के बीजेपी कैंडिडेट कौन है जो इस बार MP बने, लोकसभा चुनाव जीते? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर साउथ। क्लियर। इनका नाम है तेजस्वी सूर्या। ये सिर्फ 28 साल के हैं। और ओवरऑल सबसे कम उम्र का कौन बना है? ये तो बीजेपी का पूछा है ना, तो नाम है चंद्रानी मुर्मू। ये सिर्फ 25 साल की है। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, और ये केओनझार से चुनाव जीती है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिए केओनझार। जोआन मीरो प्राइज 2019 के लिए किसे मिला है? जोआन मीरो प्राइज मिला है
समाज सेवा के लिए नलिनी मलिनी को, नलिनी मलिनी। ये प्राइज जोआन मीरो के नाम पे रखा गया है जो स्पेनिश पेंटर थे। क्लियर? जो गरीब और असहाय लोग हैं उनके विकास के लिए दिया जाता है हर साल। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कौन से कंट्री को कहा है कि वो तुरंत चैगोस आर्किपेलेगो यानी चैगोस जो आइलैंड है उनको उनको छोड़ दे, उनको वेकेट कर दे। ये कहा गया है यूके को। क्लियर? तो अब चैगोस आइलैंड पे कब्जा किसका होगा? मॉरिशियस। मॉरिशियस जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस और इसके जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रवीण जगन्नाथ। कौन सी कंपनी है जिसने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेच दिया अपनी जापानी पार्टनर निपॉन लाइफ इंश्योरेंस को? ये कंपनी है रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल ने 6000 करोड़ में अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस निपॉन को बेच के एग्जिट कर लिया है। स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये न्यूज में था, ये क्या है स्क्वायर किलोमीटर अरे? ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये है एक टेलीस्कोप। एक सुपर कंप्यूटर भी न्यूज में था अभी अभी, जिसका नाम है परम शिवाय। परम शिवाय ये लगाया गया है सुपर कंप्यूटर IIT PHU में और खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे जब ये सुपर कंप्यूटर इनॉग्रेट किया गया था, परम शिवाय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ HRD ये कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी जिसमें 1.5 लाख करोड़ का खर्चा होगा भारत में हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अगले 5 सालों में? इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है इक्विप, EQUIP, इक्विप। अगर इक्विप की फुल फॉर्म पूछें आपसे तो इसकी फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी। क्लियर? एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम, इन शॉर्ट इक्विप। इलेक्शन कमीशन ने इस बार रिपोर्ट दी है नोटा वोट्स के ऊपर, नन ऑफ दी अबव। सबसे ज्यादा नोटा वोट्स कौन से राज्य में डाले गए इस बार? सबसे ज्यादा नोटा वोट्स डाले गए बिहार में। क्लियर? और अगर पूछे बिहार में कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा डले, तो 5% नोटा वोट डले गोपालगंज में। सबसे ज्यादा 5% थे गोपालगंज में। जमात उल मुजाहिदीन ये टेरर ग्रुप है, इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। ये कौन से कंट्री का टेरर ग्रुप है? ये है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश की दोबारा प्रधानमंत्री बन गई अभी अभी शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इनमें से पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने माउंट मकालू को स्केल किया? ये दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मकालू। इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ये है सतारा से, सतारा है महाराष्ट्र में। WHO ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि दुनिया में जो भी स्नेक बाइट यानी सांप के काटने के केसेस होते हैं उनको हमें 50% तक कम करना है। कौन से साल तक? ये साल है 2030। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो है टेड्रोस आधानोम और ये इथोपिया के हैं। एक कंपनी है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट, उन्होंने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने मैसी फर्गसन ट्रैक्टर के लिए? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इसके अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। इनमें से UNSDG 10 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उनमें जो हेल्थ केयर वाला गोल होता है जिसे बोलते हैं SDG 3, उसमें 10 दुनिया में सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में किसका नाम आया है? हेल्थ केयर को प्रमोट करने में दुनिया के सबसे 10 इन्फ्लुएंशियल लोगों में है आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि के हैं आचार्य बालकृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पहला फॉरेन टूर किस कंट्री का करेंगे? पहला फॉरेन टूर होगा इनका मालदीव्स का। मालदीव्स की कैपिटल है माले और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह बने हैं यहाँ के नए प्रेसिडेंट और नए स्पीकर बने हैं यहाँ के मोहम्मद नशीद। इनमें से पहली कश्मीरी महिला कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया? इनका नाम है नाहिदा मंजूर, नाहिदा मंजूर। तो ये जम्मू कश्मीर की फर्स्ट फीमेल हैं और ये कहाँ से हैं? ये श्रीनगर से। इनमें से 10 मीटर एयर राइफल ISSF वर्ल्ड कप जो चल रहा है म्यूनिक में और ISSF जो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन उसका हेडक्वार्टर भी म्यूनिक में है, तो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता 10 मीटर एयर राइफल में? ये जीता अपूर्वी चंडेला ने। और अगर इसको राइफल की बजाय में पिस्टल कर दूं तो आंसर हो जाएगा सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में और 25 मीटर एयर पिस्टल में जीता है राही सरनोबत ने। ये 3 गोल्ड मेडल याद रखने हैं आपको, 10 मीटर एयर राइफल, 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर एयर पिस्टल। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और NSSO को मिला दिया जाएगा, इनको मर्ज किया जा रहा है, इनका विलय किया जा रहा है। इनको मिला के कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है?
इसका नाम रखा गया है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। कौन सा कंट्री है जिसने सुधीरमन कप जीत लिया, 16th सुधीरमन कप? ये बैडमिंटन में खेला जाता है सुधीरमन कप, और इसको जीता चाइना ने, चाइना ने हराया जापान को 3-0। श्रीलंका जो है वो भारत और कौन से कंट्री के साथ मिलके कोलंबो में एक कंटेनर टर्मिनल बना रही है, कंटेनर टर्मिनल? तो इसमें तीन कंट्री होंगे, श्रीलंका, इंडिया और जापान। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने टेस्ट फायरिंग की कौन सी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बालासोर ओडिशा से की, वहीं से, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से। इसका नाम है आकाश 1S। जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनकी पुण्यतिथि 27 मई को थी, ये कौन सी पुण्यतिथि थी, डेथ एनिवर्सरी? ये थी 55वीं। जवाहरलाल नेहरू जी का जो बर्थडे होता है 14 नवंबर, वो होता है चिल्ड्रंस डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे, रसगुल्ला डे, तीनों। कौन सी कंपनी है जो अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है जिसका नाम है ग्लोबल कॉइन? ग्लोबल कॉइन को लॉन्च करेगी 2020 में फेसबुक। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा टाउन है, कौन सा शहर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में आ गया है? यह है ओरछा, ओरछा है, क्लियर? और टेंटेटिव लिस्ट का मतलब यह है कि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सकता है, अभी तक नहीं किया गया है, ओरछा। माउंट अगुंग वॉल्केनो ये इरप्ट हुआ है कहां पे है, कौन से कंट्री में? दो माउंटेन इरप्ट हुए हैं अभी अभी, एक तो है माउंट एटना, माउंट एटना है सिसिली में, सिसिली है इटली में, तो इटली में है माउंट एटना, और दूसरा माउंट एगंग, माउंट एगंग है इंडोनेशिया में, क्लियर, इंडोनेशिया। कौन सा इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है जिसे सर्टिफाई किया गया है कि वो बायोजेट फ्यूल पे उड़ सकता है, बायोजेट फ्यूल पे उड़ सकता है? AN-32। इंडियन एयरफोर्स ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है मेड वॉच। दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल, इन्होंने सहारा नेवल हॉस्टल लॉन्च करा है, ये किसके लिए? ये है नेवल वीर नारीज के लिए, जो भी हमारे नेवी के जवान शहीद हुए हैं उनकी वाइफ, उनकी विधवाएं यहां पे रहेंगी इस हॉस्टल में। इसका नाम है सहारा नेवल हॉस्टल, वसंत कुंज दिल्ली में बना है। भारत ने नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन से ग्रुप को इन्वाइट किया था? बिम्स्टेक को इन्वाइट किया गया था, बिम्स्टेक को इन्वाइट किया गया था, और पिछली बार सार्क को किया गया था 2014 में, इस बार किया गया था बिम्स्टेक को। इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण, इसका सेकंड पार्ट अभी अभी कहां पे हुआ है? सेकंड पार्ट हुआ है इसका जिबूटी में। जिबूटी अफ्रीका का कंट्री है, भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, नेवल युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है वरुण। वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड्स में कौन सा भारत का इमारत है जो इंक्लूड किया गया है ग्लोबली एक्लेम्ड वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड्स? ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे राम वानजी सुतार। इनमें से मालावी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मालावी के प्रेसिडेंट बने हैं पीटर मुथारिका, पीटर मुथारिका। WHO जो है उन्होंने कौन सी एक्टिविटी को एडिक्टिव डिसऑर्डर कैटेगराइज करा है? एडिक्टिव डिसऑर्डर है अभी ये है एक्सेसिव गेमिंग, एक्सेसिव गेमिंग। इनमें से कौन सा कंट्री है जो पहली UN हैबिटेट असेंबली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आ गया है? ये कंट्री है इंडिया, इंडिया को UN हैबिटेट की असेंबली के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जगह मिली है। वीर सावरकर जयंती मनाई गई किस दिन? वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है वैसे? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में, क्लियर, और इनकी जयंती थी 28 मई को, 28 मई। इंडियन एयरफोर्स में तीन ऑफिसर हैं, क्लियर, पारुल भारद्वाज, अमन निधि और हीना जायसवाल। और हीना जायसवाल तो आपने एटलीस्ट सुना ही होगा क्योंकि ये पहली इंजीनियर है, वुमेन इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स में, क्लियर, हीना जायसवाल। तो ये तीनों जो हैं, ये कौन सा हेलीकॉप्टर इन्होंने उड़ाया, ये पहली बार है ऐसा हुआ है। ये हेलीकॉप्टर है MI-17V5, MI-17V5। और जो अमन निधि हैं ये झारखंड से पहली पायलट है इंडियन एयरफोर्स में, अमन निधि। और जो पारुल भारद्वाज हैं ये पहली हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पहली वुमेन इन तीनों में कौन थी, तो आप श्रेय देंगे पारुल भारद्वाज को, जिन्होंने MI-17V5 हेलीकॉप्टर उड़ाया। हीना जायसवाल पहली टेक्निकल इंजीनियर है इंडियन एयरफोर्स में, हीना जायसवाल पहली महिला टेक्निकल इंजीनियर।
और अमन निधि झारखंड से पहली पायलट है इंडियन एयरफोर्स में। कौन सा कंट्री है जिसने एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर लॉन्च कराया जिसका नाम है उराल? उराल यह लॉन्च कराया अभी अभी रशिया ने, रशिया। और रशिया के पास और भी है न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, जैसे एक है आर्कटिका जिसका नाम है आर्कटिका, एक है सिबिर और अब है उराल। तो आंसर है रशिया। भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस ये कौन से शहर में स्टार्ट हुई है? ये चेन्नई में स्टार्ट हुई है, पहली ट्री एम्बुलेंस है इंडिया की। इनमें से भारत का पहला हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कौन सा है जहां पे महिलाओं के लिए एक स्तनपान, जहां वो बच्चों को स्तनपान करवा सके ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग रूम बनाए उनके लिए, पहला मॉन्यूमेंट ये, यह है ताजमहल आगरा। अभी अभी कोडम राम का 7 फुट ऊंचा स्टैचू अयोध्या में लगाया गया है, ये कौन से राज्य ने लगाया है? ये लगाया है कर्नाटका ने। और भगवान राम का एक स्टैचू और बनेगा यूपी में 221 मीटर का, जो सबसे ऊंचा स्टैचू होगा पूरी दुनिया का, ये बनेगा सरयू नदी के किनारे अयोध्या में। ये 182 मीटर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उससे भी काफी बड़ा होगा। आईएमडी वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है 43। नंबर वन कंट्री है इसमें सिंगापुर। यूनाइटेड स्टेट्स ने कौन से कंट्री को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से रिमूव कर दिया है? दो कंट्रीज को किया है, एक तो है इंडिया और दूसरा है स्विट्जरलैंड। सो आंसर है ए एंड सी। अभी अभी जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा इलेक्शन 17th, उसमें कितनी वुमेन कैंडिडेट हैं जो चुनी गई हैं? टोटल चुनी गई हैं 78 वुमेन कैंडिडेट, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा चुनी गई हैं 11 वेस्ट बंगाल और यूपी से, 11-11 ईच। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोबारा बन गए हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन सी इंडियन राइटर को मिला है 9 डॉट्स प्राइज? 9 डॉट्स प्राइज मिला है अभी अभी एनी जईदी। और इनको कौन सी किताब के लिए मिला है? किताब का नाम है ब्रेड सीमेंट कैक्टस। स्पाइस जेट भारत की कौन से नंबर की कंपनी बनी है जिनके पास 100 विमान हो गए हैं? ये बनी है 4th, क्लियर। और इससे पहले 3 कंपनियां कौन सी हैं? एयर इंडिया, जेट एयरवेज और इंडिगो। भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट कहां बनाया जा रहा है? ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बन रहा है भारत का पहला हैदराबाद। यूएफए यूरोपा लीग किसने जीता है? दोनों याद रखिए, चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग, दोनों के आंसर अलग अलग हैं। यूरोपा लीग जीता चेल्सी ने हराया आर्सेनल को, और चैंपियंस लीग जीता लिवरपूल ने, और लिवरपूल ने हराया टॉटनहैम हॉटस्पर को। पपुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इनका नाम है जेम्स मरापे, और पीटर ओ'नील ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद बने जेम्स मरापे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है जो कॉरपोरेट लोन्स के ऊपर बनी है। कॉरपोरेट लोन्स को भारत में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके हेड कौन होंगे? इसके हेड है टी एन मनोहरन। और एक बनाई थी सुरेश माथुर कमेटी जो थी माइक्रो इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए। कौन सा राज्य है जिन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया 30 मई को? 30 मई को गोवा का स्टेटहुड डे होता है, गोवा का स्थापना दिवस होता है, और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में इस दिन। मुहम्मद बुहारी ये कौन से देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? ये कंट्री है नाइजीरिया, नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी जिन्होंने 200 वनडे मैच खेले ये हैं इयन मॉर्गन। हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो भारत का पहला हिंदी अखबार है वो इस दिन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था उड़ंत मारतंड, ये भारत का पहला हिंदी अखबार था, तो ये 30 मई 1826 को स्टार्ट हुआ था। तो आंसर है 30 मई। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री पर्यावरण मंत्रालय जो है उन्होंने कौन सा गाना शुरू कराया, अभी अभी लॉन्च कराया एयर पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए? ये गाना है हवा आने दे। सो आंसर है हवा आने दे। सो ये था हमारा मे का Part 2 बेस्ट 200 क्वेश्चंस का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं मुझे, जितना हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जो 11 जून से 20 जून तक 10 दिनों के लिए जो करंट अफेयर आएंगे डेली, वो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर पेश करेंगे। मेरे को अब्रॉड जाना होगा किसी ज़रूरी काम से, आउट ऑफ कंट्री होंगे मैं, और मैं फिर 21 जून से रिज्यूम करूँगा। सो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी जानकारी रहेगी मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में। ये है मेरी फेसबुक आईडी और ये है इंस्टाग्राम आईडी, और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे जो पेन ड्राइव कोर्सेज हैं उन्हें भी देख सकते हैं, यूपीएससी एसएससी बैंक पीओ क्लैट
लॉ डिफेंस एग्जाम, जो भी स्क्रीन पर एग्जाम लिखे हैं, लगभग 120 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए हमारे सेल्फ प्रेप कोर्सेज आते हैं जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyiq.com विजिट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।